हेलो फ्रेंड्स, बीडब्ल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंगल फेज, फुल ब्रिज कन्वर्टर विद आरएलई लोड। पिछली क्लास में हमने देखा था सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर, बट विद मिड पॉइंट कन्वर्टर था वो, है ना। द कन्वर्टर वॉज मिड पॉइंट कन्वर्टर, और ये जो है ये ब्रिज कन्वर्टर है। तो देखिए, इसमें लोड का जो टाइप रखा है हमने वो आरएलई लोड रखा हुआ है। सो दैट इज रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड बैटरी। इसे भी हम दो मोड में कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मोड वन एंड टू और जो मेन सर्किट है उसको पहले से ही बना के रखा है ताकि हमें ज़्यादा समय न लगे इसको ड्रॉ करने में। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दिस इज द सर्किट। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमने दे रखा है और चार थायरिस्टर हम यहाँ पे कनेक्टेड हुए। थायरिस्टर T1 है, थायरिस्टर T2 है, थायरिस्टर T3, थायरिस्टर T4, है ना। मतलब हम कहें कि यदि ये वाली एक ब्रांच है तो इसमें दो थायरिस्टर लगे हैं, और ये एक ब्रांच है तो इसमें दो थायरिस्टर लगे हुए हैं, और इसके साथ पैरेलल में हमारे पास लोड लगा हुआ है, रजिस्टर, इंडक्टर है, बैटरी। नाउ सी हियर द सप्लाई। जो इनपुट वोल्टेज है उसका एक टर्मिनल थायरिस्टर T1 पे आ रहा है ना, मतलब ब्रांच नंबर 1 पे आ रहा है, और दूसरा टर्मिनल क्या है, ब्रांच नंबर 2 पर आ रहा है। अब जैसा कि आपको नेचर पता है, हमारी जो साइन वेव क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर है। तो अल्टरनेटिंग नेचर में ऑब्वियसली एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल आएगी। यदि एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल आती है, तो हम उसको क्या करेंगे, दो मोड में ड्रॉ करेंगे। जब हम इसे दो मोड में ड्रॉ करेंगे तो पहला मोड हम लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल का। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम क्या करने वाले हैं, हमने थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2 को ऑन किया है। ऑन करने का मतलब आई फायर एट एन एंगल अल्फा, है ना। ऑन करने का मतलब क्या है, मैंने अल्फा एंगल पे इनको फायर कर दिया है। देखिए, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये जो हमारा ए टर्मिनल है दिस बिकम पॉजिटिव, और ये जो हमारा बी टर्मिनल है दिस बिकम्स नेगेटिव। तो इसके पॉजिटिव होने से थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ रहा है ना। इसके पॉजिटिव होने से थायरिस्टर T1 जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा, और हमारा जो थायरिस्टर T2 है वो बी के नेगेटिव होने से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा। इसीलिए हम सिर्फ थायरिस्टर T1 को और थायरिस्टर T2 को ही टर्न ऑन कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन किया है एट एन एंगल अल्फा। तो अब यहाँ पे आप मेन वेव फॉर्म सेक्शन पे आ जाइए। वेव फॉर्म देखिए, हमारा इनपुट वोल्टेज बना हुआ है साइन वेव, अल्टरनेटिंग नेचर, और इसके अपोजिट में हम बनाएंगे जो कि निगेटिव साइकिल रहेगी हमारी। तो उस नेगेटिव साइकिल को भी हम जस्ट इसके अपोजिट बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सिंगल फुल ब्रिज थायरिस्टर है और इसमें हमारे पास साइकिल के नेचर को ये नेगेटिवली हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेवफॉर्म को यदि हमें ठीक से समझना है इसीलिए हमने इसको दोनों पार्ट हमें इसके पॉजिटिव नेगेटिव बना लेंगे। तो ये जो पहला वोल्टेज है ये कहलाएगा VAB, और जो सेकेंड डॉटेड वोल्टेज है इसको बोलेंगे वी बी ए। अभी वी ए बी और वी बी ए कैसे है आप समझ जाएंगे। जब साइकिल रिवर्ट होगी तो ऑब्वियसली इनका ए से बी और रिवर्ट होने पे बी से ए की डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव आएगा तो थायरिस्टर T1 हमारा ऑन हो गया, थायरिस्टर T2 हमारा ऑन हो गया। जैसे ही थायरिस्टर T1 और T2 हमारा ऑन होता है, आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी। करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना अभी करंट है ना, बाद में थायरिस्टर T1 यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, इस तरह जाएगा लोड सेक्शन में, जाएगा आर एल ई से होता हुआ यहाँ जाएगा, उसके बाद थायरिस्टर T2 में जाएगा, T2 से ऐसा होता हुआ फिर यहाँ पे बैक टू द सोर्स चले जाएगा, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, ओके। अब डायरेक्शन ऑफ द करेंट में हमने क्या देखा, सोर्स में ए टर्मिनल से करेंट निकल रहा है और लोड में इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है। लोड में इस डायरेक्शन में करंट आने से यहाँ पे वोल्टेज जो आता है आउटपुट पे वो क्या आता है, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज आता है, ठीक है। जब पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज आएगा तो करंट की डायरेक्शन भी हमने दिखा दी यहाँ पे, यही करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो
तो सबसे पहले हम आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए स्टार्ट होगी कहाँ से, अल्फा से, वेल नोन है हमारे पास। यहाँ पे हमें मेंशन करना है दिस इज योर अल्फा, दिस सेकेंड इंस्टेंट इज योर थीटा, है ना, एंड दिस इज योर पाई इंस्टेंट, एंड आफ्टर पाई दिस इज योर बी इंस्टेंट। और ये जो लेवल है इसको अपन बैटरी ई का वोल्टेज डिफाइन करते हैं, है ना। वेवफॉर्म और किसी भी लेक्चर को समझने के लिए मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको सुनना आपको बहुत आवश्यक है, आप समझिए इस बात को, बिकॉज हर एक छोटी चीज को मैं हर लेक्चर में यदि फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा तो लेक्चर की जो लेंथ है वो काफी लंबी हो जाती है। इसीलिए कृपया आप मेरे पहले के लेक्चर्स जरूर देखिए, तभी आप इन सारी चीजों को बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब ये हमने बैटरी ये बना दिया, ये हमारा थीटा है। अब हम अल्फा से पहले तो अब ट्रिगर कर ही नहीं सकते, बिकॉज बैटरी वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो हमारे थायस्टर T1 और T3 क्या रहेंगे, रिवर्स बायस रहेंगे, जिसको हम टर्न ऑन नहीं कर सकते। तो अल्फा इंस्टेंट पे हम टर्न ऑन करेंगे और अल्फा इंस्टेंट पे हमारा आउटपुट करंट फ्लो होने लगेगा और अल्फा इंस्टेंट से हम आउटपुट करंट बनाएंगे। सो दिस इज योर अल्फा इंस्टेंट एंड इट गोज टिल द एंगल बीटा, है ना। बीटा तक क्यों जाएगा, हमें पता है इंडक्टिव नेचर है, इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द सेम डायरेक्शन एज द लोड करंट डायरेक्शन, है ना। तो जो डायरेक्शन हमारे लोड करंट की थी उसी डायरेक्शन में इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और इस एंगल बीटा तक हमारा लोड करंट फ्लो होगा। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, उसके पहले हम आउटपुट वोल्टेज भी देख लेते हैं ना। हमने आउटपुट करंट का मोड वन का पार्ट देख लिया, जहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन बना ली लोड करंट। अब हम आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस एंगल थीटा से लेके अल्फा के बीच में, थीटा से लेके अल्फा के बीच में तो बैटरी वोल्टेज मेंटेन रहेगा और अल्फा से फिर इंपल्स जनरेट होगी, हमने अल्फा पे ट्रिगर किया और उसके बाद हमारा फिर आउटपुट वेवफॉर्म आएगा इस तरह निगेटिव डायरेक्शन में बीटा तक जाता है। आपको पता है क्यों जाता है, क्योंकि इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी को डिसिपेट होना है और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी जो डिसिपेट होगी तो एक्सटेंशन एंगल बीटा तक वो जाएगा, ठीक है। अब उसके पहले क्या सिचुएशन रहेगी, वॉट एवर द नेचर ऑफ दिस, है ना। देखो जब ये अल्फा से पहले क्या हो जाएगा, ये इसके लिए रेफरेंस हो जाएगा, तो इसके पहले का जो नेचर रहता है वेव का, ये वाला एरिया आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ये इस तरह नेचर रहता है, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया। अब ये एंगल हो गया बीटा तक, बीटा के बाद क्या करना है, अब हमें इंक्रीज करना है नेक्स्ट साइकिल के लिए, है ना। और नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, मोड नंबर टू, है ना, निगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो पोलैरिटी बदल जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी पे पॉजिटिव आने से थायरिस्टर T1 कंडक्शन स्टेट में आता है और ए पे निगेटिव आने से थायरिस्टर T4 कंडक्शन स्टेट में आता है। मैंने इसको बनाया नहीं तो मैं इसको बना देता हूँ, ये यहाँ पे मुझे शॉर्ट सर्किट रखना है लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमारा T4 क्या हो गया, कंडक्शन स्टेट में आ गया। जब T4 हमारा कंडक्शन स्टेट में आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम T1 और T3 और T4 दोनों को ऑन कर देंगे, T3 एंड T4 दोनों ऑन हो जाएंगे, है ना। और वेल नोन है अल्फा एंगल पे ही हम ट्रिगर करेंगे। ध्यान रखना है हम सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग को फॉलो करते हैं, है ना। थायस्टर T1 T2 को हमने अल्फा पे ट्रिगर किया, थायस्टर T3 और T4 को भी हम अल्फा पे ही ट्रिगर करेंगे। नाउ सी है, अब जैसे निगेटिव साइकिल आएगी तो ये वाला निगेटिव वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, ये वोल्टेज होगा बी ए। तो बी ए के लिए अपन ने देख लिया यहाँ पे राइट आउटपुट वोल्टेज एंड द थायरिस्टर T3 एंड T4 विल कंडक्ट। तो इसके लिए अपने को क्या बनानी है, अल्फा लाइन बनानी है, ठीक है। सो अल्फा एंगल यहाँ से आप ये है अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सो फॉर दिस अल्फा एंगल वी कैन ड्रॉ द आउटपुट करंट, ठीक। तो आउटपुट करंट आप बनाए, कैसे बनेगा ये लाइक, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक जीरो रहेगा, ये अल्फा तक, क्योंकि यहाँ पे थायस्टर ऑन नहीं है तो
तो यहाँ से लेके बीटा से लेके अल्फा तक क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और उसके बाद में फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और फिर ये कहाँ जाएगा, बीटा तक। ये मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया है, फिर से बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे इंक्रीज होगा और ये वाली बीच वाली लाइन में बीटा तक जाएगा, ठीक है। ये वाला इंस्टेंट है 2 पाई, ये बीटा तक गया। इसी तरह फिर से ये साइकिल यहाँ पे रिपीट हुई और फिर से ये इतना जीरो रहेगा और फिर यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और फिर ये कुछ एंगल बीटा तक इस तरह जाएगा। लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट करंट वेव फॉर्म। ओके, ये कर्व कैसे आया मैंने आपको बता दिया था। कर्व आने के पीछे कारण है साइन थीटा एन ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल नेचर। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स विल गिव यू दिस रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमने बना लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, हमने बना लिया था मोड नंबर 1 में, हमने कंडक्ट कराया था थायरिस्टर T1 को और T2 को। मोड नंबर 2 में जब हम आ गए तो हमने कंडक्ट कराया है थायरिस्टर T3 एंड थायरिस्टर T4 को, और नेचर वैसा ही है। अगेन द आउटपुट वोल्टेज जब तक ये ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक इतना मेंटेन रहेगा बैटरी वोल्टेज, और फिर ये बीटा तक जाएगा, ठीक है। बीटा पे जाने के फिर ये रिटर्न आएगा, फिर ई का मेंटेन करेगा, फिर यहाँ से इंपल्स जनरेट होगी, ट्रिगर करोगे तो फिर ये बीटा तक जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट वेव। देखो एक बार समझने तक की देरी है, इसके बाद तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। अब आती है सोर्स करंट की टर्न। तो सोर्स करंट की टर्न में आप देखिए, अगेन से हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे ध्यान देना है। देखो जैसे ही ये आई है हमारी, क्या T1 हमारा निगेटिव साइकिल आई है, तो T1 हमारा क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, सॉरी T1 हमारा रिवर्स बायस हुआ, और T4 हमारा फॉरवर्ड बायस। तो T4 की डायरेक्शन देखिए, T4 की डायरेक्शन ऐसे है, तो T4 कंडक्ट होने से करंट ऐसे जाएगा, तो पहले ए पे जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर सोर्स में जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ, फिर यहाँ से होता हुआ बी में जाएगा, बी से फिर लोड में आएगा, ऐसे, लाइक दिस। सो क्या हो रहा है, पहले सोर्स की करंट, पहले सोर्स से जो करंट जा रहा था वो ऐसे जा रहा था, अब सोर्स से जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द सोर्स करंट इज रिवर्स, है ना, बट द डायरेक्शन ऑन द लोड करंट इज द सेम, इज द पॉजिटिव ओनली। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब हम बनाएंगे आउटपुट करंट की वेवफॉर्म, ना सोर्स करंट की वेवफॉर्म, है ना। आउटपुट करंट की तो हमने बना लिए, सोर्स करंट की वेवफॉर्म। तो अब जैसे पॉजिटिव साइकिल तो ड्रॉ तो वैसे ही होगी, बट एक साइकिल नेगेटिव में आ जाएगी और एक साइकिल पॉजिटिव में आ जाएगी। मैं इसको इस तरह इंक्रीज करूंगा और ये एंगल मैं यहाँ बीटा तक लेके जाऊंगा। इसके बाद क्या होगा, ये और अब डायरेक्शन चेंज होगी, सो इट विल बी लाइक दिस। फिर डायरेक्शन पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर से चेंज होगी एंड इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा ये पोर्शन नेगेटिव वाला रिपीट होगा, तो रिपीटिंग साइकिल का हमें ये पोर्शन ध्यान रखना है। देखो ये वाला दिस पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे फिर से ड्रॉ होगा। सो दिस इज द आउटपुट करंट वेव फॉर्म, ओ सॉरी सोर्स करंट वेव फॉर्म, है ना। तो अब यहाँ पे अपन ने सोर्स करंट वेव फॉर्म देख ली, हमने आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म देख लिया, आउटपुट करंट वेव फॉर्म देख लिया, हमने अल्फा थीटा समझ लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेवफॉर्म ऑफ द सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर। ध्यान रखना है ये ब्रिज कन्वर्टर है ना, ये ब्रिज कन्वर्टर है। पिछली क्लास में जो डिस्कस किया मैंने वो क्या किया है, मिड पॉइंट कन्वर्टर डिस्कस किया है, विद RL लोड डिस्कस किया है, उसमें बैटरी ई कनेक्ट नहीं था। अब यहाँ पे यदि हम इस टाइम पीरियड की बात करें, व्हाट इज द टाइम पीरियड, है ना, तो साइकिल का जैसे ही रिपीट होना स्टार्ट होता है, दैट इज द टाइम पीरियड निकालना आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। सो दिस टाइम पीरियड एंड व्हाट विल बी द योर आउटपुट करंट, राइट। आउटपुट करंट तो आपने बना ही लिया, हाँ। एवरेज आउटपुट वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लेंगे 1/T इनिशियल लिमिट, है ना, लिमिट 1 टू लिमिट 2, इनपुट वोल्टेज Vs साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी इस तरह। अदरवाइज ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो इसका डेरिवेशन का अलग से बना के फिर से पोस्ट कर दूंगा। सो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड। ओके, कीप वॉचिंग एंड
जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो है वो जरूर देखें, उसी से आपको ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि एक बार समझाने के बाद चीजें थोड़ी सी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पूरा बताने में क्या होगा कि ये बहुत लेंदी लेक्चर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच लिसनिंग दिस लेक्चर।